अस्सलाम ब्यूटीफुल किचन में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। मेरा नाम रुखसाना ब्रेक है। आज मैं बड़ी सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, टमाटर की चटनी, जो बड़ी मज़े की बनती है, जो हम लोग सफ़ेद चावल के साथ या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, आधा जो टुकड़ा है मैंने 1 इंच का मैंने अदरक कर लिया जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 अदद मैंने मिर्च लिए, बहुत तेज़ है इसलिए मैंने 1 मिर्च ली है, और तड़के के लिए जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लहसुन का पाउडर, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, नमक और सूख लाल मिर्च, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधी प्याली मैंने ऑयल के लिए है, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, जब तक थोड़े गोल्डन नहीं हो जाते तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और सुना आप लोग सबके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, बस आखिरी अशरा जारी है, बस कुछ दिनों में रमज़ान भी हमको खुदा हाफिज़ कह देगा। बस इस नेक दुआओं के साथ अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और इंशाल्लाह अगले साल रमज़ान जो स्टार्ट होगा उसमें हम सब सेहत तंदुरुस्ती के साथ शरीक हों, क्योंकि इस दफ़ा जो कंडीशन थी वो तो ऐसी थी कि इस रमज़ान कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, क्योंकि हालात ऐसे थे कि हर इंसान परेशान घबराया हुआ था। और मैंने जो इसमें सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ते शामिल किए थे वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें में जो मैंने आपको बताई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ, सारी चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर दी है। अब इसको मसाले को थोड़ी देर तक पकाऊँगी ताकि ये मसाला अच्छी तरह भून जाए और उसमें थोड़ा कच्चापन जो मसाले का होता है चीज़ों का वो ख़त्म हो जाए। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और झटपट में बन जाती है। कोई अगर आ रहा है आपके घर में तो सफ़ेद चावल आप जल्दी से आप बना लें, उसके साथ साथ टमाटर चटनी, और यकीन करें आप माने आप बहुत मज़ा आता है इसके साथ, चटनी के साथ चावल वो यूज़ खाते हैं हम लोग। अब ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म चेंज हो रहा है मसाले का, इसमें जो लाल मिर्च का पाउडर है वो थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। तो अभी इसके अंदर हम लोग टमाटर शामिल करेंगे और आखिर में मैं इसके अंदर जो हरा धनिया और पुदीना भी डालूंगी। तो बस झटपट बनने वाली डिश है ये। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, अभी इसको ढक्के में तकरीबन 5 मिनट के रख दूंगी, उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपको बताती हूँ कि ये बन के कैसे तैयार हुआ। ये टमाटर खुद का पानी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता। मैंने देखा बहुत से लोग क्या करते हैं कि टमाटर के अंदर पानी ऐड करते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता, ये अपने ही पानी पकते हैं और उसको हल्की आँच पकाएंगे जो टमाटर इसमें गल भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि 2-3 मिनट और लगेंगे और मैं इसमें धनिया और पुदीना भी मैं इसमें ऐड करूंगी। टमाटर की चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, सुर्ख सा और मज़े की बड़ी बनी है। और तो आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।